खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई बैठक। डीजल पेट्रोल पर लगने वाले वैट को लेकर बैठक। शाम 5:30 बजे सीएम आवास पर बुलाई गई बैठक। डीजल पेट्रोल की कीमतों पर बैठक में होगी चर्चा। डीजल पेट्रोल की कीमतों पर राहत दे सकती है योगी सरकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई बैठक। डीजल पेट्रोल पर लगने वाले वैट को लेकर बैठक। शाम 5:30 बजे सीएम योगी अपने आवास पर करेंगे बैठक। डीजल पेट्रोल की कीमतों पर बैठक में होगी चर्चा। डीजल पेट्रोल की कीमतों पर राहत दे सकती है सरकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई बैठक। डीजल पेट्रोल पर लगने वाले वैट को लेकर बैठक। शाम 5:30 बजे सीएम आवास पर बुलाई गई बैठक। डीजल पेट्रोल की कीमतों पर बैठक में होगी चर्चा। डीजल पेट्रोल की कीमतों पर राहत दे सकती है सरकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है जिसमें पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट पर चर्चा हो सकती है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और अब अचानक से बैठक बुलाना कितना सही है, जनता को कितनी राहत मिल सकती है? जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे आम जनता की स्थिति बिल्कुल चरमराई हुई है। आर्थिक स्तर पर बहुत बुरी स्थिति है और लगातार जनता में ये रोष है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई कटौती नहीं की जा रही है उससे सरकार के खिलाफ एक असंतोष की भावना भी पनप रही है। तो इसको देखो, बता दूं अभी हाल में ही निर्मला सीतारमण आई थी लखनऊ और पेट्रोल को जीएसटी में लाने की बात चल रही थी, पर हुआ वही था और कोई भी राहत जनता को नहीं मिल पाई थी और पेट्रोल डीजल को जीएसटी में नहीं लाया गया था, जिससे कहा गया था कि अब जीएसटी में आ जाएगा तो कुछ लाभ मिलेगा, पर जिस तरह से वो पेट्रोल डीजल जीएसटी में ना आने के कारण जनता में रोष व्याप्त था। और जिस तरह निश्चित तौर पे ये बात साफ है कि जो पेट्रोल के रेट है उनमें केंद्र का टैक्स और प्लस राज्य सरकार का एक अलग टैक्स लगता है, उसके बाद उसकी कीमतें ही तय होती हैं, तो माना सकता है कि जो राज्य की सरकार का जो टैक्स है उसको जो बैट लगता है पेट्रोल डीजल पर उसको लेके कुछ कमी या कुछ चीजें उसमें देखी जा सकती हैं। इसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को राहत देने की यानी के लिए या मान के चलिए कि जिस तरह से आज आसमान महंगाई आसमान छू रही है, जिस तरह से तमाम चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे खाद्य तेलों की बात हो, चाहे सब्जियों की बात हो, चाहे दालों की बात हो, क्योंकि पेट्रोल डीजल से जो आवागमन होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, उससे तमाम चीजों पर असर पड़ता है। तो माना सकता है बहुत बड़ी बैठक होगी और हो सकता है कि इस बैठक में जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है, वो योगी सरकार है जो बैट लगाती है, उसमें कम करके और पेट्रोल डीजल में कुछ कीमतों को कम करके आम जनता को राहत पहुंचाई जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे संवाददाता गौरव जुड़े थे। तो पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए चर्चा हो सकती है। बीजेपी के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे लखनऊ। राधा मोहन सिंह के साथ लखनऊ पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। आज बीजेपी कार्यालय में संगठन की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर होगी बैठक। कल लखनऊ दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे लखनऊ। राधा मोहन सिंह के साथ लखनऊ पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। आज बीजेपी कार्यालय में संगठन की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर करेंगे बैठक। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, राज्य कर्मचारियों को मिला बोनस का तोहफा। योगी सरकार ने दिया बोनस का तोहफा। यूपी सरकार ने जारी किया शासनादेश। सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक में दिया ये निर्देश। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, राज्य कर्मचारियों को मिला बोनस का तोहफा। योगी सरकार ने दिया बोनस का तोहफा। यूपी सरकार ने जारी किया शासनादेश। सपा में विधानसभा उम्मीदवारों के नामों पर फैसला, 20 नवंबर के बाद होगा फैसला।
पहले चरण में 30 विधायकों समेत 100 सीटों पर घोषित होंगे उम्मीदवार। गठबंधन का गणित सुलझाने के बाद उम्मीदवारों का होगा ऐलान। सर्वे और विभिन्न स्तरों से मिले फीडबैक। जातीय गणित के आधार पर दावेदारों की सूची की जा रही तैयार। सपा में विधानसभा उम्मीदवारों के नामों पर फैसला। 20 नवंबर के बाद होगा फैसला। पहले चरण में 30 विधायकों समेत 100 सीटों पर घोषित किए जाएंगे नाम। गठबंधन का गणित सुलझाने के बाद उम्मीदवारों का होगा ऐलान। सर्वे और विभिन्न स्तरों से मिले फीडबैक।